Working with words. This is the next way of exercise for the chapter Portrait of the Lady, the portrait of a lady. Now, in this we we will go for some kind of uh, understanding some words which otherwise look very common, but they have somewhat different meanings. <laughs> जो बड़े कॉमन है बड़े सामान्य है लेकिन उनके उपयोग से आपको समझ में आएगा कि इनके थोड़ा थोड़ा अलग अर्थ भी होता है और इस प्रकार एक ही शब्द को कई रूपों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं स्टार्ट विद फर्स्ट वन नोटिस द फॉलोइंग यूजेस ऑफ द वर्ड टेल इन द टेक्स टेल टू टेल It's a very simple meaning. Batana. To tell means batana. Tell, told, told. Right? Here, the first sentence that we come across in this story is Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Her fingers were busy telling the beads. रोजरी मीन्स जपने की माला मैंने बताया और बीट्स मतलब उसमें जो गाने होते हैं वो नाउ टेलिंग द बीट्स मीन्स बीट्स को बता रहे थे उसकी जो उंगलियां थीं जब वो ऐसा घुमाती थी माला को तो वो उंगलियां कुछ बताती थी उसको बताने का अर्थ ये नहीं कि बोलती थी बताने का अर्थ है उसको आगे घुमाने का घुमाती थी तो दिस इज वन मीनिंग द सेकेंड इज i would tell her english words and little things of western science and learning. in this story, this sentence is used by the grandson when grandmother would ask the child on way back from school, what have you learned? then i would tell her, तब मैं उसे बताता कि वह मुझे आज ये ये, ये ये पढ़ाया गया तब मैं उसे बताता तो ये दूसरा अर्थ हो गया जो हम सामान्यतः जिसको हम उपयोग करते हैं आई वुड टेल हर द थर्ड यूज इज एट हर एज वन कुड नेवर टेल क्या अर्थ हुआ इसका एट हर एज वन कुड नेवर टेल ये कब कहा गया इफ यू रिकॉल यदि आप याद करो ये बात कब कही गई थी एंड दिस इज एन एक्सरसाइज आई गिव यू सर्च फ्रॉम द स्टोरी रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द लाइन वेयर इट इज देयर एंड इन वॉट कंटेक्सट किस संबंध में लाइन बोली गई एट हर एज वन कुड नेवर टेल इस उम्र में कोई कभी नहीं बताता इस उम्र में देखिए एट हर एज इस उम्र में कोई कभी नहीं बताता एंड द फोर्थ वन इज शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर उसने हमें बताया कि उसका अंतिम समय निकट आ गया है शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर सो हियर वन वर्ड देयर टू टेल यू फोर डिफरेंट यूजेस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और हिंदी अनुवाद भी उसका थोड़ा सा अलग होता है सो यू हैव टू लिमिटेड री आपके पास जितना भी शब्द भंडार है उससे आप बहुत कुछ बोल सकते हैं बशर्ते उन शब्दों को थोड़ा हम उनका अध्ययन करें प्रोवाइडेड वी स्टडी दोज वर्ड्स लिटिल केयरफुली ना सी द दर यूज गिवन बिलो आर द डिफरेंट सेंसेस ऑफ वर्ड टेल Different senses of the word tell match the meaning to the uses listed below. First, make something known to someone in spoken or written English. Make something known to someone in spoken or written word. Again, the use of the word tell given below are different senses of the word tell. To tell, is the word that's used here. Second meaning is count with reciting. Count her fingers were telling the beads. So here's a different meaning. Be sure that's another meaning given in the previous sentence. And last is give information to somebody. Ye char earth tell with different senses. डिफरेंट इसके सेंस है अलग इसके अर्थ निकल रहे हैं शादी कर तो एक ही होगा टेल का लेकिन इसके अर्थ गलत निकल रहे है। अलग अलग है एक का है मेक समथिंग नोन टू समन इन स्पोकन और रिटर्न वर्ड टेल का दूसरा अर्थ आ रहा है काउंट वायल रिसाइटिंग टेल का तीसरा अर्थ आ रहा है बी श्योर sure. निश्चित रहो सुनिश्चित रहो सुनिश्चित करो और चौथा अर्थ आ रहा है गिव इंफॉर्मेशन बताना किसी को किसी को सूचना देना तो so ये चार अर्थ अलग अलग सेंस में टेल के यहां ऑथर के द्वारा यूज किए गए टेल वर्ड के अलग अलग अर्थ यूज किए गए ना वी कम टू द नेक्स्ट वन नोटिस द डिफरेंट सेंसेस ऑफ द वर्ड टेक टू टेक मैंने लेना अब यहां टेक का क्या अलग अलग सेंस है इस पर अब थोड़ा सा देखें ध्यान दें टू टेक टू समथिंग यहां टेक शब्द है लेकिन टेक के बाद टू लगा हुआ है टू टेक टू और देखिए ये इटैलिक्स में है टू टेक टू वॉट समथिंग टू बिगिन टू डू समथिंग एज ए हैबिट कुछ करना आदत के अनुसार कुछ करना दैट इज कॉल्ड to take to something i have taken to eating breakfast in the morning i have taken to cycling every day matlab main ab roz cycling le raha hu as a habit to ye ho gaya dekhiye take ka arth lena hai और यहाँ take का दूसरे सेंस में उपयोग हो रहा है जब take के साथ क्या शब्द जुड़ता है और to take to दूसरा दिया हुआ है टू टेक इल देन ग्रैंड मदर टुक इल मतलब बीमार हो गई और बीमार होने के बाद वो बिस्तर में पड़ गई थी सो शी हैड टेकन इल टू टू टेक मतलब किसी आदत में कुछ चीज को शुमार करना टू टेक इल मने बीमार होना लोकेट दिस फ्रेजेस इन द टेक्स एंड नोटिस द वे दे आर यूज अब ये जो दोनों वाक्य हैं इनको आपको अपनी पुस्तक में उस कहानी में देखना है और समझने की कोशिश करना है कि किस संबंध में इन शब्द का उपयोग हुआ है टेक का और टेल का वैसे तो दोनों बड़े शब्द हैं बड़े सरल शब्द हैं जो आपने बहुत पहले पढ़े हैं बार बार पढ़ा है, पर यहाँ पर आपको ये देखना है यदि टेक के बाद टू आया है तो उसका सेंस थोड़ा बदल जाता है यदि टेक के बाद इल आया है आई टुक इल मैं बीमारी ले लिया ऐसा नहीं मानेंगे मैं बीमार हो गया राइट नाउ वी कम टू द थर्ड वन द वर्ड हॉबल हॉबल शब्द का उपयोग कहां हुआ है इस कहानी में एच ओ डबल बी एल ई हॉबल इसका उपयोग कहा हुआ द ओल्ड वुमन द ग्रैंड मदर वुड हॉबल अराउंड इन द हॉल हॉल में वह यहाँ वहाँ वहाँ चलती थी एक हाथ कमर में और दूसरे हाथ में माला जपते हुए याद आया आपको सो शी वुड हब अराउंड टू वॉक विद डिफिकल्टी बिकॉज द लेग्स एंड फीट्स आर इन बैड कंडीशन बैड कंडीशन का अर्थ ये नहीं है कि टूटे हुए हैं पैर बैड का अर्थ ये नहीं कि कुछ बी, कुछ प्लास्टर uh, है या कुछ uh, बहुत चोट है नहीं बैड का अर्थ है उसमें वो ताकत नहीं है मसल की ताकत नहीं है शी इज़ नॉट एबल टू होल्ड अपने को मजबूती से ज़मीन पर रख नहीं पा रही हैं तो पैर डगमगाता है हॉबलिंग मीन डगमगाना तो यहाँ पर आप देखेंगे द वर्ड हॉबल मीन्स टू वॉक विथ डिफिकल्टी बिकॉज द लेग्स हैव ग्रोन वीक बैड विद द एज हैव बिकम वेरी वीक राइट एंड यू हैव टू अगेन फाइंड आउट वेयर द वर्ड हबल इज यूज इन द स्टोरी नेक्स्ट इज टिक वर्ड इन दॉक्स बिलो टिक दर्ड इन दॉक्स बिलो दैट ऑल्सो रेफर टू द मैनर ऑफ वॉकिंग देखिए हिंदी में हम लोग चलना कहते हैं धीमा चलना तेज चलना टेढ़ा मेढ़ा चलना डगमगाना आदि आदि अंग्रेजी में चलने के तरीके के लिए अलग अलग शब्द हैं एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग चलने के तरीके के लिए तेज चलने के लिए एक शब्द है धीरे चलने के लिए एक शब्द है लंगड़ाते हुए चलने के लिए एक शब्द है कूद के चलने के लिए एक शब्द है आदि आदि यदि हम एक छोटा सा उदाहरण है घोड़ा एक घोड़े को आप उसको मोशन में देखो चलते हुए वीडियो में देखो यदि लाइव नहीं देख सकते तो और यदि आप इस घोड़े को हॉर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हॉर्स की चाल जो है वो चार तरह की होती है एक ऐसी चाल जिसमें पहले एक कदम आगे रखता है फिर दूसरा कदम रखता है फिर तीसरा आगे करता है फिर चौथा आगे करता है वो एक तरह की चाल होगा। बहुत धीरे होता है दूसरा होता है जिसमें दो कदम आगे एक साथ फिर उसके बाद दो कदम पीछे के आगे करता है एक साथ तीसरा होता है जिसमें चारों कदम को लेकर ज़मीन पर उछलता है और चारों को गिराता है और आगे भागता है और चौथा जिसमें दोनों दाएं और दोनों बाएं इसके लिए चार शब्द हैं कैंटर गैलपिंग एंड सोन सोफोर्स यहाँ पर हम देखें कि बाकी दो शब्द क्या हैं घोड़े के लिए मैंने कैंटर बताया मैंने गैलप बताया आप दो शब्द और खोजें घोड़े की चाल को परिभाषित करते हैं घोड़े की चाल के लिए जो उपयोग किए जाते हैं डिक्शनरी से देखें स्वयं कि घोड़े की चाल के लिए कैंटर और गैलप के अलावा और क्या शब्द हैं यहां देखिए शब्द क्या दिया है पहला हैगल दूसरा शफल तीसरा स्ट्राइड चौथा राइड बैडल, देन, देन रिगल, देन पैडल, देन स्वेगर ट्रज एंड स्लॉग इसमें से ऐसे शब्द जो चलने की प्रक्रिया को बताते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से जानना है कि कौन से वे शब्द हैं जो चलने की प्रक्रिया से जिनका संबंध है धीरे चलना तेज चलना आदि आदि। उदाहरण के लिए एक हम बता दें हिज uh, स्ट्राइडिंग एक शब्द यह है और इसमें से आप तीन शब्द कम से कम और आइडेंटिफाई स्वयं करें और जानें कि ये शब्द कैसे अलग हैं पैर से जब हम चप्पल घसीट के चलते हैं कई बार जब बहुत धीरे से आराम से चलते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है व्हाट इज द मीनिंग व्हाट इज द वर्ड दैट इज यूज फॉर वॉकिंग लेजरली लेजर मतलब बड़े आराम के साथ चप्पल को घसीट के जब चलते हैं तो उसके लिए क्या शब्द है Similarly, here also you have to identify four words which are associated with walking. As jinka se hai. Now we come to the next exercise of the story by Kushwan Singh. Notice the forms of verbs. इटैलिसाइज़ इन दिस सेंटेंसेस। इटैलिसाइज़ मतलब इटैलिसाइज़ मतलब इटैलिक स्टाइल में। इटैलिक स्टाइल क्या है? वह स्टाइल जिसमें अक्षरों को थोड़ा सा झुका दिया जाता है। आप देखेंगे कुछ अक्षर यहाँ पर झुके हुए हैं इटैलिसाइज़ हैं। My mother was an old woman. She had been old and wrinkled. Now the italicized word here is हैड बीन शी हैड बीन वट इज द क्वेश्चन नोटिसिंग द फॉर्म कौन सा फॉर्म इसमें उपयोग हुआ है ग्रामर में यह आपको समझना हैड बीन का अर्थ क्या है शी हैड बीन ओल्ड शी वॉज ओल्ड वह बूढ़ी थी शी इज ओल्ड वह बूढ़ी है वृद्ध है she had been old vah ho chuki thi ho she had been old main ja i had gone so she had been old and wrinkled for 20 years that i had known her people said that she had once been young and pretty and had been इवन हैड ए तो हैड का उपयोग बार बार हैड का अर्थ होता है एक तरीके से हम देखें तो था हिंदी में था वह बाजार जा चुका था ही हैड बीन टू द मार्केट वह खा चुका था ही हैड eaten। मैं क्लब जा चुका था आई हैड बीन टू द क्लब यहां पर लगातार इन चार वाक्यों में हैड शब्द का उपयोग बारंबार हुआ है हैड फॉर्म का उपयोग यह अंग्रेजी में कौन सा फॉर्म कहलाता है ये आप पता लगाएं दिस इज द टास्क दैट इज बीइंग गिवन थ्रू दिस दैट नोटिस द फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द फॉर्म विच इज देयर यूज इन दिस द नेक्स्ट वन इज वेन वी बोथ हैड फिनिश्ड वी वुड वर्क बैक टूगेदर वेन वी बोथ हैड फिनिश्ड वी वुड walk back together. We both means here in the story the grandmother and the child, the grandson. जब हम दोनों खत्म कर देते थे तब हम वापस आते थे तब हम वापस आते थे We would walk back. We had finished. When we had finished. जब हम खाना ख़त्म कर देते थे जब हम पढ़ाई ख़त्म कर देते थे ये लाइन कहाँ पर लिखी हुई है इस कहानी में आप देखें और आपको याद आएगा ये कहानी में तब लिखी गई है जब माँ स्क्रिप्चर पढ़ती है मंदिर के कमरे में और मैं यानी ऑथर लाइन में बैठकर प्रेयर और अल्फाबेट्स गाता है वेन दे वुड फिनिश दे वुड वॉक बैक टुगेदर और वापस आते हुए क्या होता है वापस जब वो आते थे तो दरवाज़े के पास कुत्तों की भीड़ रहती थी वो स्टेल रोटी खाने के लिए पुरानी बासी रोटी लेकर जो ग्रैंड माँ चलती थी उसको बांटने के उसको खाने के लिए कुत्ते रहते थे तो दिस वी हैड फिनिश्ड जब हम अपना काम ख़त्म कर देते थे वी हैड गॉन यू हैड स्पोकन तुमने कहा था थर्ड फॉर्म हेड के साथ याद रखिए हमेशा कि क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है थर्ड फॉर्म शर्त क्या है प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड पास तो ये जो थर्ड फॉर्म है वॉक वॉकड वॉकड ईट एट ईटन ई ए टी ई एन ईटन तो ये थर्ड फॉर्म हेड के साथ या हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है और जैसे हैड जो है उसका अर्थ था है भूतकाल में ऐसे ही हैव का अर्थ है, है, है। पास्ट टेंस है हैड याद रखेंगे हैव का पास्ट टेंस है हैड तो आई हैव गॉन मैं गया हूँ एंड आई हैड गॉन मैं गया था you had gone tum gaye the and you have gone tum gaye ho i hope i'm clear on that so we both had finished we would walk back together third sentence when i came back she would ask me what the teacher had taught me when i came back she would ask me jab main wapas haya, तो माँ पूछती थी कि आज तुम्हें क्या पढ़ाया गया था वॉट द टीचर हैड टॉट मी आज तुम्हें टीचर ने क्या पढ़ाया था तो so, हैड था के लिए सामान्यतः उपयोग होता है ये भूतकाल का शब्द राइट right? चौथा वाक इट वॉज द फर्स्ट टाइम्स सिंस आई हैड नोन हर जैसा मैंने पहले बताया हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है क्रिया का तो यहाँ आप देखिए सभी वाक्यों में जहाँ हेड है वहां क्रिया का थर्ड फॉर्म लग रहा है नोन नो मने जानना टू नो मने जानना नो न्यू नोन सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेरी क्लियरली इट शुड बी देयर इन अवर माइंड सेट दैट हैड इज फॉर था इन हिंदी एंड हैड इज फॉर पास्ट और जब भी हैड का उपयोग होता है या है का उपयोग होता है तो थर्ड फॉर्म क्रिया का लगता है राइट इट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे कब कहा गया था ये वाक्य इस कहानी में यदि इसको आप याद रखेंगे तो आपको समझने में और सरलता होगी मैं रिपीट करूं इट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर डैट शी डिड नॉट प्रे टू प्रे मतलब प्रार्थना करना भगवान की पूजा करना जब से मैंने अपनी दादी को जाना था तब से ये पहली बार था जब उसने पूजा नहीं की इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन जब से मैंने उसे जाना था जब से मैं अपनी दादी को जानता हूँ ड नोन जब से मैंने जाना था तब से पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने पूजा नहीं की राइट फिफ्थ सेंटेंस द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंडा विथ ए गोल्डन लाइट मैंने आपको बताया सनराइज मतलब सूर्योदय और सनसेट मैंने सूर्यास्त टू सेट मतलब क्या होता है केवल सेट शब्द का उपयोग करें क्रिया के रूप में तो सेट एक क्रिया है सेट द रूम कमरे को सजाओ जमा दो सेट योर टेबल अपनी टेबल को व्यवस्थित कर दो सेट योर सेट योर पोजीशन अपने को अपनी स्थिति जो है उसको ठीक से व्यवस्थित करो ठीक से जमाओ जगह पे जाओ सेट योर सेल्फ अपने को ठीक तरीके से करो ये तो हुआ सेट का अलग से उपयोग पर सन सेट का अर्थ होता है सूर्यास्त शाम के समय जब सूरज ढलता है उसको सूर्यास्त कहते हैं दैट इज कॉल्ड सन सेट द सन वॉज सेटिंग सूरज ढल रहा था ढल रहा था और ढल चुका था ये दोनों में अंतर है जब चुका वाली बात होती है तो हैड का उपयोग होता मैं गया था मैं जा चुका था मैं गया था तो आई हैड गॉन और मैं जा रहा था था तो दोनों में है पर यहाँ हैड नहीं है क्योंकि कार्य जारी है भूतकाल में भूतकाल में भी कार्य जारी है उदाहरण के लिए जब मैंने खिड़की खोली तुम जा रहे थे तो घटना तो पहले की है पर वो क्रिया जारी थी कब जारी थी जब मैंने खिड़की खोली तब जारी थी खिड़की खोलने के समय तुम जा रहे थे तुम गए थे नहीं तो ये जो जारी है क्रिया भूतकाल में कंटिन्यूस है वहां पर आएगा वॉश सन वॉश सेटिंग सूरज ढल रहा था एंड हैड लिट हर रूम लाइट से बना लिट उसने उसको प्रकाशमान कर दिया उसके कमरे को जो ढलता सूरज था ढलते सूरज का जो प्रकाश आ रहा था उसने उसके कमरे को रोशनी दे दी थी और उसका जो वरंडा था वहाँ एक तरीके से ढलते सूरज की जो रोशनी होती थोड़ी गोल्डन होती है हैडसेट है वरंडा विथ गोल्डन लाइट दैट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विथ ब्यूटिफुल सेंटेंस द सन वॉज सेटिंग And the sun had lit her room. So, try to understand the meaning of the word had here and was setting. Sun was in dono me antar These are examples of past perfect forms of verbs. Past perfect. There are many forms of verbs.

हेडबिन का या वस का उपयोग करते हैं